नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का अपना सबसे ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एज रिलेशन। आज हम आयु संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं और आयु का जो अध्याय है यानी कि टॉपिक है उसे एकदम बेसिक, मीडियम और साथ में हाई लेवल तक के सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे और एकदम ज़बरदस्त अंदाज के साथ। बिल्कुल मैं आपको 100 ट्रिक के प्रयोग के द्वारा कराने वाला हूँ और ऐसी माइंड ब्लोइंग ट्रिक होगी कि आप तो आपकी 7 पीढ़ियां तक देखती रह जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एज रिलेशन। याद रखना, जब कभी भी चर्चा पहले की जाए यानी कि पहले बोले तो पूर्व की अगर चर्चा की जाए तो माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर बाद की चर्चा की जाती है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वर्तमान समय की बात है तो वर्तमान के लिए हम प्लस जीरो का प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्रश्न कहता है ए और वी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, ए की वर्तमान आयु बताइए। एकदम नया सा लॉजिक आप देखते रह जाएंगे। ए का रेशियो 5:4 है और ये वर्तमान का है, प्लस जीरो रख दीजिए। दूसरा वाला 4:3 का है और ये वाला जो है वो 2 वर्ष पूर्व का है, माइनस का रख दीजिए। अब दोनों का डिफरेंस लीजिए, इस वाले 5 और 4 का अंतर कितना आता है 1 और 4 और 3 का अंतर कितना आता है 1। जब ये दोनों अंतर समान आ जाएं, सोच लेना इन दोनों का अंतर भी समान ही आने वाला है। 5 और 4 का अंतर कितना होता है 1, ये सदैव इनके योग के बराबर होता है, 1 बराबर क्या हो गया 2 के। मांगा किसका है, ए का आयु। ए कौन सा वाला है, पहला वाला। देखो ए कौन सा वाला है, पहला वाला ए है, इस रेशियो से गुणा कर दो। जब हम 5 की गुणा 2 से करेंगे तो ए का कितनी आयु हो गई, यानी कि 10 वर्ष, ए की आयु होगी 10 वर्ष, और 10 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। एकदम टेंशन मत लेना, चीज़ों को समझते चलना, कोई भी तकलीफ होने पर कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला हुआ है। ए और बी की आयु की चर्चा की गई है और कहा गया है ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूँ ए की आयु की दोगुनी, और ये चर्चा वर्तमान की गई है। 8 वर्ष पहले ए की आयु की 4 गुनी थी, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु वी की आयु की कितने गुनी, 4 गुनी, यानी बी 1 वर्ष का तो ए हो जाएगा 4 वर्ष का। आइए इसे भी लगा लीजिएगा, 1 और 2 का अंतर आता है 1 और 4 और 1 का अंतर आता है 3। अगर ऐसा केस मिले ना कि अंतर अलग अलग आए तो इस वाले से इस वाले में गुणा ठोक दो, कितना हो गया 3 × 6 और 3, तो 3 और 6 का अंतर कितना आ गया 3। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 6 और 4 का अंतर कितना होगा 2। मैंने बताया था ना ये समय जो है इसका सदैव योग होता है, कितना हो गया 8, 2 × 2, 2 × 4 कितना आया 8। मांगी किसकी है, एक बी की आयु, बी की आयु पूछी है 8 वर्ष बाद। जब हमसे बी की आयु की चर्चा की गई तो हम बी की वर्तमान वाली आयु लेंगे, 3 × 1 × 4 से कर लेंगे, तो 3 × 4 करने पर कितना प्राप्त होता है 12, और कितने वर्ष बाद ये वर्तमान की आई, 8 वर्ष बाद, तो 12 में 8 जोड़ने पर कितने वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। एकदम माइंड ब्लोइंग ट्रिक है, आप क्या आपकी 7 पीढ़ियां भी देखती रह जाएंगी। एक बार समझ लेना, एक बार इन्वेस्ट करना है, लाइफ टाइम इसका बेनिफिट ही लेना है। एक बार इन्वेस्ट करना है, ना कोई एक्स मानेंगे ना वाई मानेंगे, ना कहीं के और पी की ज़रूरत पड़ेगी, सभी चीज़ें नंबर्स में समाप्त हो जाएंगी। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। देखिए रोहित जो था वो मोहित की आयु का 2 गुना था, और 10 वर्ष पहले की बात है। यदि 10 वर्ष बाद
मोहित की आयु 40 वर्ष हो। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 वर्ष बाद अगर मोहित 40 का होगा तो वर्तमान में मोहित कितने वर्ष का होगा? 30 वर्ष का, क्योंकि 40 में से 10 कम कर दीजिए। और यहाँ पे कितने वर्ष पहले की बात है? 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष पहले मोहित कितने वर्ष का रह गया? 20 वर्ष का, क्योंकि 30 में से 10 और कम कर दीजिए। अब ये जो 1:1 है वो किसके? 20 के। तो 2:1 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। कहते हैं रोहित की वर्तमान आयु बताइए। 10 वर्ष पहले रोहित की आयु 40 वर्ष है, इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे यानी कि 50 वर्ष आयु वर्तमान में हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा के रख देना, सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ लेना। बार बार असफलताओं के जो आप शिकारी बन रहे हैं, आप नहीं बनोगे किसी भी कीमत पर, चीज़ों को सीखते चलो। देखिए प्रश्न संख्या 4। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र वर्तमान उम्र की दोगुनी थी, यानी तुम्हारी जो उम्र है वर्तमान उसकी दोगुनी थी। आज मेरी उम्र तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, यानी माता और पिता की जो दोनों की उम्र का योग है वर्तमान में 58 वर्ष बताया है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है? वो चीज़ पूछी गई है, ध्यान देना चीज़ों को। अगर वर्तमान में पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता क्या होंगे? इसके दोगुने। दोगुने बोले तो 10 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। क्लियर? पुत्र के जन्म के समय जब पिता की आयु कितने वर्ष हो गई? 20 वर्ष। अब क्या कहते हैं, ये तो हमसे बात की गई है 10 वर्ष पहले की, अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में इसमें 10 वर्ष और जोड़ दो, यानी फादर की आयु वर्तमान में कितने वर्ष हो गई? 30 वर्ष। और टोटल मदर प्लस फादर कितना था? मदर प्लस फादर इज इक्वल टू 58 था। तो यहाँ से मदर कितने वर्ष की रह गई? 28 वर्ष की। और 28 वर्ष बोले तो ऑप्शन 4 एकदम परम सत्य आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न में। सेशन अगर पसंद आ रहा है लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर पहली बार सेशन को वॉच कर पा रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर दें। यदि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? देखिए बड़ा वाला कितना था? 7 और छोटा वाला था 4। तो 7 और 4 का अंतर कितना हुआ? 30। और 7 और 4 का अंतर कितना होता है? 3 बराबर 30। तो 3 × 3 और 3 × 2 कितना हो गया? 30। एक का वैल्यू कितना हो गया? 30। अब दोनों की आयु का योगफल, तो 7 + 4 गुणा कर दो इसमें किससे? 10 से। 7 × 4 = 11 कितना हो गया? 110 वर्ष। 110 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। दैट इज सही ऑप्शन, एकदम परम सत्य आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, मेलविन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी एक तो हो गए मेलविन, एक हो गए लुइस, वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:23 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात ये हो जाता है। अब क्या कहते हैं, इसे यहीं पे ठोंक दीजिए और आंसर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 और 10 का अंतर कितना आता है? 3। और 17 और 23 का अंतर कितना आता है? 6। नीचे वाले को ऊपर वाले में गुणा ठोंक दो और ऊपर वाले को नीचे वाले में गुणा ठोंक दो। समय में कभी गुणा नहीं करते इनके, समय में कभी भी गुणा नहीं करते। देखो 7 × 42 और 10 × 60, 42 और 60 का अंतर लेंगे कितना आया? 18। और 17 × 51 23 × 69 का भी अंतर कितना आया? 18। जब ये वाले अंतर इनके समान आ गए तो ये वाले ऐसे वाले अंतर भी सदैव समान आएंगे। कैसे? देख लीजिए 17 × 51 और 7 × 42, 51 और 42 का अंतर होता है 9, और ये सदैव इस समय के योग के बराबर होता है।
तीन तिया तीन दुनी एक का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब मांगा कौन है, आपसे मांगा है उनकी आयु में अंतर कितना होगा। यही चीज तो पूछी गई है ना कि उनकी आयु में अंतर कितना होगा। तो देखना एक बार ध्यान से चीजों को, अंतर मांगा है ना, पहले वाले में वर्तमान में अंतर कितना आया 18। इसे क्या करो, 18 से गुणा ठोक दो, 3 × 6 कितना होता है 18, और 6 × 2 = 12, यानी उनकी आयु का अंतर होगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न कहता है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात मुझे दर्शाया गया है और उसी से प्रश्न पूछा गया है। 3:5 है, उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वो चीज़ आपसे मांगी गई है। देखिए पहले विमल की आयु निकाल लेते हैं, विमल की आयु कितनी हो गई, विमल का अनुपात ऊपर, दोनों का योग नीचे और गुणा कुल योगफल। 8 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा भाई, 8 से कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। और 10 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो विमल की आयु कितने वर्ष हो गई, 30 वर्ष। और जब विमल की आयु 30 वर्ष हो गई तो अरुण की आयु कितने वर्ष बची, 50 वर्ष, क्योंकि 30 और 50 कितना होता है, 80 पूरा हो गया। अब हमसे क्या कहा गया वो चीज़ देखिए, कहता है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ से रखिएगा 30 और 10 = 40 और 50 और 10 = 60, 20 × 40, 20 × 3 = 60, आंसर होगा 2:3, और 2:3 बोले तो ऑप्शन 1 बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। इसी के साथ सेशन पसंद आ रहा है, एक लाइक करके साथी संबंधी मित्रगण यार दोस्त दुश्मन दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं उन सभी के साथ सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विजय और पुष्पा की आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष ये अनुपात, यानी कि 10 वर्ष ये अनुपात का मतलब हुआ 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, यहाँ चेंज कर लेना भाई, अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए, पहला वाला विजय और दूसरा वाला पुष्पा है, अनुपात 3:4 ये वर्तमान का है और 10 वर्ष बाद का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, और ये सदैव समय के योग के बराबर होगा, 1 का वैल्यू 10 हो गया। दोनों यानी इस वाले 3 में इस वाले 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30, और इस वाले 4 में इस वाले 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40, यानी कि विजय की आयु 30 वर्ष और पुष्पा की आयु 40 वर्ष होगी। और 30 और 40 वाला बोले तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ प्रश्न संख्या 9 को पढ़िएगा और सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न कहता है, विजय रानी और रवि की वर्तमान आयु का कुल योग 56 वर्ष है, 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4:1 था, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। देखिए 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष विजय की कम होगी, 2 वर्ष रानी की कम होगी, 2 वर्ष रवि की कम होगी, तो कुल योग 56 में से अगर 6 वर्ष कम कर देंगे तो कितने वर्ष बचेगा, 50 वर्ष बचेगा। निकालना कौन है, रवि। देखो जब रवि को निकालना है, रवि का अनुपात ऊपर रखिएगा, बाकी सबको नीचे, 56 से 6 कम किया या 50, और 10 पंजे कितना होता है, 50, यानी जो रवि की आयु हो गई वर्तमान में वो हो गई 5 वर्ष, और 5 वर्ष जो हुई वो वर्तमान की हुई। लेकिन हमें जो वर्तमान की नहीं हुई, ये 2 वर्ष पहले की हुई, क्योंकि 2 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था, 2 वर्ष पहले की हुई। वर्तमान लेने के लिए इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे, और जब 2 वर्ष जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर।
क्योंकि जो अनुपात दिया है हम उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को बना रहे हैं, और अनुपात 2 वर्ष पहले का है, हमें वर्तमान में आना पड़ेगा तो 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4 गुनी थी। यदि इस समय पिता की आयु 3 गुनी हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पिता की आयु 4 थी किसके, पुत्र के। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष के होंगे, 4 वर्ष के। यही चीज़ तो दर्शाई गई है और यही चीज़ बताई गई है। अब क्या हुआ, ये कब का है, 5 वर्ष पहले का। अब वर्तमान में जब आए तो इनका आयु 3 गुना हो गया, यानी पुत्र अगर 1 वर्ष का तो पिता 3 वर्ष के हो गए। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 और 4 का अंतर कितना होता है 3, 3 और 1 का अंतर कितना होता है 2। ये देखो रेशियो समान नहीं हुआ ना, तो इस केस में क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले से नीचे गुणा कर देते हैं, और ये समय में गुणा नहीं होती, कभी भी याद रखना। 4 दुनी 8 और 2 का अंतर कितना आया 6, 9 और 3 का अंतर भी कितना आ गया 6, देखो समान हो गया, तो ये भी समान होगा, ये वाला भी अंतर। 8 और 9 का अंतर कितना हुआ 1, 1 इन समय के सदैव योग के बराबर होता है, समय का योग कितना हुआ 5। अब हमसे मांगा कौन है, पिता की आयु, तो देखो 4 दुनी 8, 8 पंजे कितने हो गए, पिता हो गए 40 वर्ष के, लेकिन ये कब हुए 5 वर्ष पहले, हमें वर्तमान लाना है, 5 वर्ष जोड़ देंगे, पिता की आयु हो गई 45 वर्ष। हमें चाहिए पुत्र, पुत्र का वैल्यू 2 है, 2 पंजे कितना हुआ 10, ये 5 वर्ष पहले की, अब 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 15, यानी पिता हुए 45 साल के और पुत्र हुए 15 साल के, आंसर हो गया 45.15 वर्ष, ऑप्शन 4th इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है एक लाइक करके साथी संबंधी मित्रगण यार दोस्त दुश्मन सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि वो अधिक से अधिक अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। सुधा और उसकी माता की आयु का योग 60 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व माता की आयु सुधा की आयु की 4 गुनी थी, सुधा तथा उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सुधा प्लस माता 60 वर्ष है, उनकी आयु का योग वर्तमान में, 5 वर्ष पहले की अगर मैं बात करता हूँ, 5 वर्ष सुधा कम होंगे और 5 वर्ष उनकी माता कम होंगी, तब उस समय इनकी आयु कितनी रही होगी 50 वर्ष, योग कितना होगा 50 वर्ष होगा। अब इनमें मुझे रेशियो बताया है, सुधा और उनकी माता, कहते हैं माता की आयु सुधा की आयु की 4 गुनी थी, तो ये मदर हो गई और ये सुधा हो गई, ये इनका रेशियो था पहले का 5 वर्ष पूर्व का। अब मांगी है सुधा की आयु, तो देखिए सुधा का रेशियो ऊपर रखिएगा और दोनों के अनुपात नीचे और योग और गुणा करेंगे योग से, तो 5 दाम कितना हुआ 10। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की कहानी आई ना, अब सेम पोजीशन में आ जाओ, जब ये 10 वर्ष की हो गई तो माताजी कितने वर्ष की होंगी 40 वर्ष की, ये 5 वर्ष पूर्व की है, 5 वर्ष जोड़ दो, तो 5 वर्ष जोड़ने पर कितना हो जाएगा 15.45 वर्ष, 15 वर्ष की सुधा वर्तमान में और 45 वर्ष की माता हो जाएंगी वर्तमान में, ऑप्शन 4th इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है कृष्ण और वल्लभ की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 33 वर्ष का है, 11 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। देखिए बड़ा वाला 8 नंबर है, छोटा वाला 5 है, दोनों का अंतर कितना है 33, और 8 और 5 का अंतर होता है 3/33, तो 1 बराबर कितना हो गया 11 के। अब इनका 1 का वैल्यू 11 हो गया, हमसे कहता है कि उनकी आयु का अनुपात, तो देखिए कृष्ण की आयु 5 रेशियो में है, 1 रेशियो की वैल्यू 11 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 55 और 8 की वैल्यू कितनी हो गई 88। यहाँ तक चीज़ें समझ लेना, आगे चलते हैं। कहता है 11 वर्ष बाद का बताना है, तो 55 में 11 जोड़ेंगे आएगा 66 और 88 में 11 जोड़ेंगे आ जाएगा 99। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होता है 33 दुनी होता है 66 और 33 तिया कितना होता है 99, वैल्यू हो जाएगी 2:3, दैट इज ऑप्शन से इज़ अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए पिता हम मान लेते हैं कि 4 के हो गए और पुत्र जो हो गए वो 1 के हो गए, और इन दोनों का गुणनफल कितना 196 दिया है, 4 से 196 काटेंगे, 4 चौक 16, 4 नेम 36, और ये के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 49, और के की वैल्यू जब लेंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आएगा, यानी के का वैल्यू कितना हो गया 7। क्लियर ना, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, 7 हो गया। अब देखो 7 की गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक कितना हो गया 28, और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब हमसे मांगा कितने वर्ष है, ये तो वर्तमान का आया, 5 वर्ष बाद का मांगा है, 28 में 5 जोड़ दो 33 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ दो 12 हो जाएगा। अब 33 और 12 को सॉल्व करते हैं, 33 को सॉल्व करोगे 3 से 11 बनेगा, और 12 को सॉल्व करोगे 3 से 4 आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 11:4, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आइए मैं अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ कि SSC ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम यानी 10+2 की परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। जूनियर इंजीनियर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी CGL Tier 2, CGL Tier 3, आपके साथ में सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस, इन सभी के एग्ज़ाम्स की डेट को फाइनली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो रही हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके कैलेंडर को डाउनलोड करके अवश्य चेक कर लें, और अपकमिंग वैकेंसी जैसे कि SSC GD और मल्टीटास्किंग यानी SSC MTS की भर्ती भी आपको प्रॉपर तरीके से आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की भी जानकारी दे दी गई है। क्लियर, तो ये थी आपके लिए ऑफिशियल SSC से जुड़ी। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Unacademy लर्निंग ऐप और CET द ब्रह्मास्त्र बैच को आज ही सब्सक्रिप्शन लें, और साथ में ब्रह्मास्त्र बैच के साथ CET लेवल के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, जिसमें ब्रह्मास्त्र बैच के टॉप एजुकेटर्स की अगर बात करें जो आपको पढ़ाने वाले हैं, GAGS राहुल सर, इंग्लिश वर्खा मैम, अभिनव सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे इस बैच में, और भुवनेश शर्मा सर GAGS रीजनिंग सुमित सर पढ़ाएंगे, अमन सर इंग्लिश के लिए, और प्रबल सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ DI, कृति मैम GAGS, दीपक सर रीजनिंग और संदीप सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। CET ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, आज ही सब्सक्रिप्शन लें, Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, स्वयं को एनरोल करें, और सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सभी के सभी बच्चों को लाइव मॉडरेट में साथ में इंटरफेस कर पाएंगे, लाइव क्लासेस ले सकेंगे और रिकॉर्डेड वर्जन भी बाद में देख सकेंगे। दूसरा अल्टीमेट बैच, अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच, इसके टॉप एजुकेटर्स के नाम आप एक बार देख लीजिए, पवन सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, संदीप सर इंग्लिश, अभिनव शर्मा सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अमन सर इंग्लिश, राहुल सर GAGS, दिव्यांशु सर GS और भुवनेश शर्मा सर GAGS, बरखा मैम इंग्लिश और अफरीन अजमत मैम आपको GAGS पढ़ाने वाली हैं। लक्ष्य बैच जो है SSC CGL और CHSL 2020 एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, पवन सर यहाँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड लेकर आएंगे, सुमित सर रीजनिंग, अभिनव शर्मा सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और बात करते हैं शंभवी पांडे इंग्लिश के साथ होंगी, जितेंद्र कुमार GAGS, अफरीन अजमत GAGS, विशाल सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और दिव्यांशु सर GAGS के साथ होंगे, आज ही एनरोल करें और डिस्काउंट कोड यूज करना ना भूलें, स्टडी फॉर ड्रीम्स, अगर आप डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। GS गुरुज की अगर चर्चा करें 2.0, तो राहुल अरोरा जी, भुवनेश शर्मा जी, कृति मैम और जितेंद्र कुमार जी, आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से Unacademy लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करके सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, और डिस्काउंट कोड याद रखिएगा स्टडी फॉर ड्रीम्स। अब सरकारी नौकरी इसी बार लेनी है, सभी बैचेस के टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, क्यूज, टेस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाले हैं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन,
किस बात की देरी, एंड ऑन नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं आपसे कहूँगा कि फिल इन स्पेशल कोड फॉर 10% डिस्काउंट, स्टडी फॉर ड्रीम्स, स्टडी फॉर ड्रीम्स। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए, मैं आपको यही सुटेबल करूँगा, कम से कम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें ताकि बिगिनर से लेकर फाइनल अपने सिलेक्शन तक आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकें। अगर आप 6 मंथ का आज ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 33% का ऑफ मिलेगा, 12 मंथ में 58% ऑफ होगा, 24 मंथ में 75% ऑफ मिलने वाला है। आज ही फ़ायदा उठाएं, लाभ लें और डिस्काउंट कोड अवश्य यूज करें, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ है मिलना, एनरोल नाउ। और साथ में डिस्काउंट कोड एक बार पुनः कहूँगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करें हमारी प्रोफाइल अवधेश कुमार और साथ में फॉलो कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट मिलती रहे। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स टॉपिक एज रिलेशन। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। टेलीग्राम लिंक आपको स्क्रीन पर विजिबल किया गया है और आप सर्च कर सकते हैं www.studyfordreams.in, ये हमारी वेबसाइट है। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम दासू तरीके के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।